नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कुम्हारसो गांव में बीते 24 अप्रैल की रात पत्नी को मारपीट कर मौत के घाट उतार देने के मामले में थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतक के पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया कि मृतका समता देवी के पति मुकेश राय, जो कांड के मुख्य आरोपी था, जो थाना पुलिस से आंख मिचोली खेलकर महीनों से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा गया है। बताते चले कि मृतका 11 साल की पुत्री संजू कुमारी एवं 7 वर्षीय हर्ष कुमार के द्वारा कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है, जो दोनों ही बच्चे अपनी माता के मौत के बारे में पिता मुकेश राय, चाचा राकेश राय, दादा राम प्रकाश राय एवं दादी गायत्री देवी के ऊपर कोर्ट में आरोप लगाया है, जो कि घटना की रात सभी लोग मिलकर बिजली की करंट सटाकर मारपीट करते हुए मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया था। ज्ञात हो कि वर्ष 2008 में भी मुख्य आरोपी मुकेश राय पर थाना क्षेत्र के ही मुसेपुर ठाकुरबाड़ी के महंत को पीट पीट कर हत्या कर ठाकुरबाड़ी से मूर्ति चोरी करने का आरोपी था, जिस कांड में भी पूर्व में भी न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा जा चुका है। गढ़पुरा से प्रदीप झा की रिपोर्ट।